हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सिर्फ दो बूंद गर्म पानी के साथ मौत को छोड़ सब बीमारियां जड़ से हो जाएंगी खत्म। जी हाँ, आज आपको मैं कुछ ऐसा ही बताने वाली हूँ जिसकी बहुत ज्यादा है फायदे। मैं बात कर रही हूँ कलौंजी के तेल की। जी हाँ, बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे और बहुत से लोगों को इससे होने वाले फायदे के बारे में नहीं पता होगा, तो चलिए जान लेते हैं इससे होने वाले फायदे। कलौंजी का तेल, जिसे ब्लैक सीड ऑयल कहा जाता है, आसानी से उपलब्ध होने वाली ये दवा बेहद प्रभावी और उपयोगी साबित हो सकती है। कलौंजी के तेल में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमें सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं, साथ ही साथ हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, कार्डियो वेस्कुलर डिजीज एवं अस्थमा, ब्लड कैंसर, फेफड़ों की समस्या, लीवर, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल और त्वचा रोगों में भी बहुत ही कारगर है। ये कोई नई दवा नहीं, बल्कि इन गंभीर बीमारियों के लिए इसकी खोज हजारों वर्षों पूर्व हो चुकी है, जिसके बाद इस दवा पर विज्ञान ने अब तक कई शोध हो चुके हैं। 2012 में इजिप्ट में हुए एक शोध के अनुसार शहद और कलौंजी के तेल में ट्यूमर रोधी तत्व मौजूद है, जो कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में सक्षम है। वही 2003 में मलेशिया में कुछ रिसर्च के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। अब आपको मैं बताऊंगी किन बीमारियों से हमें बचाकर रख सकता है कलौंजी का तेल। कैंसर, डायबिटीज, सर्दी जुकाम, पीलिया, बवासीर, मोतियाबिंद की आरंभिक अवस्था, कान के दर्द, सफेद दाग, लकवा, माइग्रेन, खांसी, बुखार, गंजापन जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है। कलौंजी का तेल शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को विकसित होने से रोकता है और उन्हें नष्ट कर कैंसर रोगी को स्वस्थ कोशिकाओं प्रदान करता है। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को कलौंजी के तेल की आधी बड़ी चम्मच एक गिलास अंगूर के रस में मिलाकर दिन में 3 बार देना चाहिए। इससे उसे बहुत लाभ मिलेगा। HIV होने पर कलौंजी के औषधीय गुणों की जाँच के लिए अमेरिका में एक शोध के दौरान HIV पीड़ित व्यक्ति को रोज कलौंजी, लहसुन और शहद का कैप्सूल दिया गया। कुछ दिनों बाद ये पाया गया कि पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्षा करने वाली T4 और T8 लिफेटिक कोशिकाओं की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी हुई है। खांसी और दमा की शिकायत होने पर छाती और पीठ पर कलौंजी के तेल से मालिश करें और 3 चम्मच कलौंजी का तेल रोज पिएं और पानी में तेल डालकर उसे भाप लें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। डायबिटीज के मरीजों को 1 कप कलौंजी के बीज, 1 कप राई, 1/2 कप अनार के छिलके को पीसकर चूर्ण बना लेना चाहिए। 1/2 चम्मच कलौंजी के तेल के साथ इस चूर्ण को रोज नाश्ते के पहले लें। 1 महीने तक लेने से आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। पाव भर पिसी हुई कलौंजी को शहद में अच्छी तरह से मिला लें। इसमें 2 चम्मच मिश्रण 1 चम्मच कलौंजी के तेल को 1 कप गर्म पानी के साथ मिलाकर रोज नाश्ते से पहले लें। गुर्दे की पथरी से परेशान लोगों को कलौंजी का तेल फायदा कर सकता है। जब भी कोई गर्म पेय पिए, उसमें 1 चम्मच कलौंजी का तेल मिला लें। 3 दिन में 1 बार पूरे शरीर पर तेल की मालिश करें। 1/2 घंटा धूप का सेवन करें। लगातार 1 महीने तक ऐसा करने से आपका हृदय रोग और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। शरीर पर सफेद दाग और कुष्ठ रोग हो जाने पर 15 दिन तक रोजाना पहले सेब का सिरका शरीर पर मलें, फिर कलौंजी का तेल मलें। इससे आपको आराम मिलेगा। कलौंजी के तेल को हल्का गर्म करके जहां दर्द हो वहां मालिश करें और 1 चम्मच कलौंजी का तेल दिन में 3 बार सेवन करने से 15 दिन में ही आपका कमर का दर्द और गठिया ठीक हो जाएगा। लगातार सिरदर्द होने पर माथे और सिर के दोनों तरफ कान के आसपास कलौंजी का तेल लगाएं और नाश्ते से पहले 1 चम्मच तेल का सेवन करें। कुछ सप्ताह बाद सिर दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। रोज सोने के पहले पलकों और आंखों के पास आसपास कलौंजी का तेल लगाने से 1 चम्मच तेल को 1 कप गाजर के रस के साथ 1 महीने तक लेने से नेत्र रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। 1 चाय की प्याली में 1 बड़ी चम्मच कलौंजी का तेल डालकर लेने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। 1 चम्मच तेल 100 ग्राम उबले हुए पुदीने के साथ खाने से याददाश्त अच्छी होती है। स्त्रियों के रोग जैसे प्रदर, रक्त प्रदर, डिलीवरी के बाद दुर्बलता या रक्तस्राव में कलौंजी का तेल काफी फायदेमंद है। थोड़े से पुदीने की पत्तियों को 2 गिलास पानी में डालकर उबालें। 1/2 चम्मच कलौंजी तेल डालकर दिन में 2 बार पिएं। बैगन, अचार, अंडा और मछली से परहेज करें। स्वप्न दोष और नपुंसकता जैसे रोगों में 1 कप सेब के रस में 1/2 चम्मच तेल मिलाकर दिन में 2 बार 21 दिन तक पिएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। बालों में नींबू का रस अच्छी तरह से लगाएं। 15 मिनट बाद बालों को शैम्पू कर लें और अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। सूखे बालों में कलौंजी का तेल लगाएं। 1 सप्ताह के उपचार के बाद बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। बालों में रूसी होने पर 10 ग्राम कलौंजी का तेल, 30 ग्राम जैतून का तेल हल्का गर्म कर लें। 30 ग्राम पिसी हुई मेहंदी को मिलाकर बालों में लगाएं। 1 घंटे बाद बालों को शैम्पू कर लें। ऐसा करने से रूसी खत्म हो जाएगी।
एक चम्मच कलौंजी का तेल, एक चम्मच जैतून का तेल मिलाकर चेहरे पर मसाज करें। एक घंटे बाद चेहरा धो लें। कुछ दिनों में ही आपका चेहरा चमक उठेगा। तो देखा आपने कलौंजी का तेल कितना ही फायदेमंद है। कलौंजी आपको आसानी से किसी भी परचून की दुकान से मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा है, रोजाना इसका इस्तेमाल करें। अनेकों बीमारियों से बचें, अपना चेहरा, अपना फिगर, अपने बाल सब अच्छे बनाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इसके फायदे जानकर इसका उपयोग करना आज से ही शुरू कर दें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज अपना कमेंट करके प्यार जरूर जाहिर करिएगा। वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी ना भूलिएगा। और साथ में ही घंटी होती है बेल आइकन, उसको प्रेस करना तो कभी ना भूलें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।